तो रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कमेंट में कि सर सैस जॉब के ऊपर रोड मैप बनाओ विदाउट सर्टिफिकेशन, कि कैसे सैस जॉब ले सकते हैं विदाउट सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है सैस के ऊपर जॉब लेना क्लिनिकल बैंकिंग या इंश्योरेंस में विदाउट सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों ये 100% पॉसिबल है। मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया है जो कि बिग कंपनी स्मॉल कंपनीज MNCs हर जगह जॉब करते हैं विदाउट सर्टिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन इज़ ये पॉसिबल कैसे है और उसका रोड मैप क्या है, तो आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है सैस बेस सैस एडवांस सैस क्लिनिकल एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है SDM एडम टेबल एंड लिस्टिंग, ये चार चीज़ मेजर होती हैं अगर आप क्लिनिकल इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखना ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेनिंग आपको प्रॉपर लेनी है। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लोगे या अच्छे से फोकस नहीं करोगे तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेप, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है एंड टू एंड। बहुत बार क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम तक तो अच्छा सपोर्ट मिलता है लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी आपको अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग के बाद अच्छे सपोर्ट की कैसे ज़रूरत होती है, लेट सपोज आपने ट्रेनिंग के दौरान तो चीज़ें अच्छे से सीख ली लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको अगर इंटरव्यू नहीं मिल रहा और प्लस अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो तो उस वक्त भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो रिजेक्ट हो रहे हो उसको कैसे इंप्रूव कर सको, और इंटरव्यू नहीं मिल रहा तो कैसे ले सकते हो या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन। और तीसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने है इंटरव्यू रिलेटेड। ओके, लेट सपोज अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है बेस एडवांस एंड क्लिनिकल, तो आपको मिनिमम इंटरव्यू रिलेटेड 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर 100 सॉल्व करोगे तो वेल एंड बेटर है। ये चीजें आप ट्रेनिंग के दौरान भी शुरू कर सकते हो, ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू फोर्थ स्टेप, आपको मेक श्योर करना है प्रॉपर फॉर्मेट में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं बट हमें नहीं पता होता कि इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैस इंटरव्यू सीरीज के ऊपर तो मैंने एक प्रॉपर रोड मैप बना के रखा है, ठीक है, एक रोड मैप नहीं एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो जाके देख सकते हो कि सैस के ऊपर इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका पूरा फोकस अप्लाइंग पार्ट पे होना चाहिए। मिनिमम आपको 15 लोगों से जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है उनसे कम्युनिकेट करना है और इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है या उनको बताना है कि मैं इंटरव्यू के लिए देख रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो आपको करना है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप नेगेटिव फीडबैक्स को नेगलेक्ट करो। ओके, बहुत बार क्या होगा क्योंकि आप ओपन प्लेटफॉर्म पर लिंक्डइन या कहीं पर किसी से कम्युनिकेट करोगे, लेट सपोज आपके बैकग्राउंड में आपको गैप है आपके एजुकेशन और अभी में, या तो आपका बैकग्राउंड दूसरा है, तो कभी कभी आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कोई आपको बोले कि आपको सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो आप उन चीज़ों को नेगलेक्ट करना है अगर आपको लग रहा है कि वो फीडबैक आपके लिए नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव फीडबैक्स को नेगलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपको मार्केट के साथ ऊपर और नीचे नहीं होना है। लेट सपोज बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में एक साइकिल चलता है कि मार्केट ऊपर चलता है और नीचे चलता है, तो जब नीचे चलता है आप मार्केट में देखोगे कि जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इंटरव्यू जल्दी नहीं मिल रहे, तो आप क्या डीमोटिवेट होने लगते हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इटसेल्फ या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इटसेल्फ। तो आपको उनसे कंपेयर नहीं करना है, मार्केट से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपना एक प्रोसेस बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक रोड मैप बनाना है कि आप कितने टाइम में ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले हो, कितने टाइम में इंटरव्यू मतलब जो साइकिल है कितना टाइम लेने वाले हो, और कितने टाइम में आप क्रैक कर लोगे, यानी डे वन से लेके डे एंड तक आपको खुद का एक रोड मैप बनाना है कि इतने दिन में मैं जॉब ले लूँगा। और इस चीज़ के ऊपर आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो अपने ट्रेनर से कि सर ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग सकता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरा प्लान कर सकूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मिनिमम 1 आवर, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको 2 या 3 आवर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपको करना है गेट बेटर ईच एंड एवरी डे। डे वन से जिस दिन से आपने सीखना स्टार्ट किया है उस दिन से अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। आपको देखना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, टेक्निकल में, कम्युनिकेशन में, बिहेवियर में, उन तीनों चीज़ों में आपको डे बाय डे इम्प्रूव करते जाओ। नहीं तो क्या होगा, आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता चल रहा है कि मैं टेक्निकल में वीक कर रहा हूँ या लैग कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन में या बिहेवियर में, तो आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट शुरू कर दो। और आप अपने ट्रेनर से भी फीडबैक ले सकते हो क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं तो उन्हें बेटर पता होगा कि आप कहाँ पे क्या चीज़ें लैग कर रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों कि अगर आप पे फाइनेंशियल बर्डन है या आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो मुझे फैमिली का टेक केयर करना है, मैं ही वो पर्सन हूँ, तो आपको खाली नहीं बैठना, क्योंकि अगर खाली बैठे हो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी खासी है तो आप पे बहुत सारा एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको साथ में एक जॉब स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रिपरेशन आपको
जारी रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट या रिजेक्ट हो रहे हो तो तीन मेजर रीजंस की वजह से सेलेक्ट या रिजेक्ट हो रहे हो। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो इन्हीं कारणों की वजह से इनमें से किसी में लैक कर रहे होगे, तभी हो रहे होगे। तो आप फोकस करो, आप खुद से देखो या अपने ट्रेनर से जानो कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ और वहाँ पर इम्प्रूव करो। और दोस्तों लास्ट पॉइंट कि आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अच्छा खासा टाइम भी लगता है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि सैस की जो जॉब है उसकी ग्रोथ स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको जो एंट्री में भी आपको जो मेहनत लग रही होगी वो थोड़ी अच्छी खासी लग रही होगी, तो पेशेंस को बनाए रखो। और दोस्तों मैंने जो सैस सर्टिफिकेशन होता है, सैस इंटरव्यू होता है, उसके ऊपर मैंने एक एंटायर वीडियोज़ बहुत सारे और प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, उसको जाके चेक कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने वीडियो बनाई है जिनमें उन्होंने डिस्कस किया है बिगनिंग से लेके एंड तक उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया, तो वो वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हो। और एट द एंड मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि आप हमेशा कभी भी कंपेयर करते होगे तो आप हमेशा 10 लोगों या 100 लोगों को देख के खुद को कंपेयर करते होगे कि उनका नहीं हो रहा या मार्केट में इतने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो मेरा क्या होगा। दोस्तों आपका डिसीजन 100 लोगों से नहीं होना चाहिए, आपका डिसीजन आपसे होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको खुद का फ्यूचर डिसाइड करना है, आपको 100 लोगों को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है। लेकिन अगर आप मार्केट को देख के पैनिक या मार्केट को देख के एक्साइट होते हो तो आपको ये आगे जाके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमेशा थोड़ी थोड़ी रहेगी। आपको हमेशा खुद पर फोकस करना है कि कैसे मैं आउट ऑफ द मार्केट निकलूँ, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और मेरे ख्याल से आपको बेटर पता होगा आप कहाँ बेटर परफॉर्म कर रहे हो और कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। तो उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा जॉब रहती ही है, कोई भी जॉब फ्रेशर से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि लाइक व्हाई एवरी जॉब रिक्वायर 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर सारी जॉब 1 or 2 year एक्सपीरियंस वालों के लिए ही है, तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सारी जॉब्स फ्रेशर के लिए होती है और कंपनी हमेशा किसी न किसी को रिक्रूट कर ही रहे होते हैं। अब आपको जानना है या आपको समझना है कि मैं रिक्रूट होऊंगा या मैं मार्केट को देख के डीमोटिवेट या मोटिवेट हो रहा हूँगा। आपको अपना मोटिवेशन खुद ही बनना है, अपने इंप्रूवमेंट्स खुद ही करने हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।